हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आए, होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो, आज का जो सफ़र होने वाला है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है, काफ़ी लंबा सफ़र है। और इस वक्त हम अभी मुमरा में हैं, सिलपाटा पे, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हाजी अली दरगाह। तो हम चलते हैं, आप लोगों को हाजी अली दरगाह का ज़्यारत कराते हैं और वहाँ का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा और काफ़ी व्यू दिखाते हैं। तो हमने गाड़ी बुक किया था, तो फिलहाल फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है और फैमिली के साथ जा रहे हैं हम। तो ये गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, तो चलते हैं हम यहाँ से। हेलो, और ये हमजा का देखो, हमजा हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो बोलो। गूगल, ये गूगल है मेरी। कहाँ जा रही हो हमारा? हाजी अली जा रहे हैं हम लोग घूमने। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप लोग? जू जाएंगे उसके बाद हम लोग। कहाँ ले जा रही हो? हाटी अट्टी, हाजी अली जूहू। और पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? पैसा कहाँ है? ए गूगल, पैसा कहाँ है? बैग में। कितना है? बहुत सारा है। दिखाओ, झूठ बोल रही हो। नहीं, दिखाने वाला नहीं रहता। अच्छा, झूठ बोल रही हो। अरे मतलब अभी हम लोग बीकेसी पहुंचे हुए हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, ये देखें। सीलिंग जो अपना बैंड्रा बेस में जो सीलिंग है वहाँ पहुँचा हूँ, और ये टूल लगा है, और जैसे देख सकते हैं आप, और जस्ट सीलिंग होते हुए वर्ली के लिए निकल जाएंगे, पास में ही है। और काफ़ी खूबसूरत व्यू है यहाँ पे, जो देखने को मिल रहा है ना, उसका बहुत काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, ये देखें, काफ़ी खूबसूरत है ये यहाँ का ऐसा सीन है। देखें, ये टूल नाका है, और जो
कार का टोल टैक्स है ना वो 100 रुपीज है यहाँ पे ना भाई, 100 रुपीज लेते हैं कार क्रॉसिंग का। तो अभी लाइन में लगे हम लोग। मैं मूर्ति में बना था, चांद ऐसा बना हुआ था तो मैं दिख गया। मेरा नाम भी चांद है ना, इसके लिए चांद बोलते हैं। मूर्ति में बना था चांद, प्यार से घर पे नाम लेते चांद। पास में ही है, बहुत करीब में, उसके 2 मिनट का रास्ता है। जो ट्रक है ना वो वाले में देखा हूँ ट्रक, असली में उसका पीछे वाला टायर। तकरीबन मुमरा से यहाँ तक के लिए जो सफर था 1 घंटे का सफर था हमारा, काफी अच्छा था। फाइनली दोस्त हम हाजी अली दरगाह के पास आ चुके हैं, वो वहाँ पर है और चलना है, नीचे से जाएंगे। और गाड़ी से हम लोग आए थे और ये जैसे कि देख सकते हैं ये हाजी अली। कार से हम लोग निकले, एसी में बैठे थे और पूरा एसी का मज़ा लेते हुए पूरा आए वहाँ से आता का। और बाहर निकले इतना तेज़ धूप था कि जैसे चेहरे पे चमाट पड़ रहा है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है। चले साकिब और चलते हैं, आप लोगों को ज़ियारत कराते हैं दरगाह का, हाजी अली दरगाह का। और काफ़ी मज़ा आया है, आप लोग भी ज़्यारत कर लेना और मैं भी ज़्यारत कर लूँगा, काफ़ी टाइम हो चुका मुझे भी आए यहाँ पर। बॉडी एनर्जी आ जाएगी, कैश ऑनलाइन नहीं लेगा। और ये यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, और सिग्नल के जस्ट बाजू में यहाँ पे लोग आते हैं आराम फरमाते हैं शाम टाइम, काफ़ी अच्छा है। छोटा सा गार्डन है, काफ़ी खूबसूरत है यार। इधर से नीचे चलेंगे, हाँ बिल्कुल। तो रोड क्रॉस करने के लिए रोड क्रॉस नहीं कर सकते हम लोग, नीचे जाएंगे। ये देखिए सिग्नल है, जाने का रास्ता है यहाँ से। चादर वगैरह मिल रही है माशाल्लाह, दरगाह पास में ही है। 2 महीने हुआ इसको रेडी हुआ, ये देखो ब्रिज बन गया, पहले यहाँ पे नहीं था ब्रिज, ये जाने का रास्ता क्रॉसिंग। और ये क्रॉसिंग का रास्ता है अंदर जाने का, उस तरफ से आने का।
अभी सडली अभी नया बना हुआ है, ब्रिज भी चालू हो गया ये। और मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, जब से ब्रिज बना है अभी तक मैं गया नहीं था, आज पहली बार जा रहा हूँ ब्रिज के अंदर। उस पार तो दरगाह है जस्ट सामने, ब्रिज क्रॉस कर लिया जैसे देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से जो देखने को मिल रहा है ना, और ये समुंदर देखें आप लोग, और इस तरह पूरा ब्रिज बन गया है पूरा, देख सकते हैं आप लोग ये देखिए। और पत्थर वगैरह लगा दिए पूरा साइड साइड से, ये अभी काम किया गया है, चलिए ये एक साल भी नहीं हुआ ये सब लगाए हुए। इधर भी देखे इस तरफ भी, और सामने दरगाह है। काफ़ी खूबसूरत यार, ये देखिए हाजी अली दरगाह का पूरा, ये सामने ब्रिज बन गया है आप लोग देख सकते हो पूरा, ये देखिए पहले तो नहीं था ये आप लोग जानते ही है। और वही ब्रिज यहाँ से राउंड होकर यहाँ से जा रहा है डायरेक्ट अपना बैंड्रा के लिए चले जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं आप, आज जो आज का दिन है फ्राइडे है, जुमा का दिन है, और काफ़ी पब्लिक आ चुकी है। और जो टाइम हो रहा है तकरीबन 3:30 बज रहा है इस वक्त अभी। और यहाँ का जो देखने को मिल रहा है काफ़ी खूबसूरत है, ये देखिए आप लोग, पब्लिक देख सकते हैं आप लोग, ये देखें काफ़ी, और ये दरगाह है। यहाँ पे ये देखें दरगाह के जस्ट बाजू में कुछ ऐसा व्यू दिखता है, देखें दोपहर का टाइम है इसके लिए इतना सनलाइट सामने आ रहा है, इसलिए आप लोग दिख नहीं रहा बराबर। और यहाँ पे बैठने का इंतज़ाम किया गया, देखो तो फैमिली आ के यहाँ पे बैठ के आराम करती है। और कुछ ऐसा दिखता है, ये देखें दरगाह के बाहर का सीन है ये, और दरगाह अभी बंद है। Oh,
यहाँ पर वजू खाना है, ये यहाँ पे ये देखें, और ये मस्जिद है, और ये और इस सब आप लोग देख सकते हैं, एक दरगाह सामने है, और इस सब देखें काफ़ी खूबसूरत है। बाहर निकलने का वक्त आ गया, बाहर निकल रहा हूँ। ओके यार, एक मसला हो गया था वहाँ पे, अंदर कैमरा ले लिए थे, बोले वीडियो शूट करना अलाउड नहीं है, तुम वीडियो डिलीट करो, तो कैसे भी कैसे करके उसको कन्विंस किया मैंने बहुत, तो मना किया, बाद में फाइनली वो मान गया, वीडियो डिलीट नहीं किया। और जैसा कि मैं बाहर आया हूँ, अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है, और ओके तो कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। निकलने का वक्त आ गया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर, चलते यार, काफ़ी टाइम हो चुका है। गर्दी है, इतनी गर्दी अभी नहीं है, शाम तक और गर्दी हो जाएगी। हाँ, अभी शाम तक सब निकलेगा ना, यहाँ पे पब्लिक बाहर आएगी तो बहुत गर्दी होगा। फाइनली दोस्त, मैं दरगाह से बाहर आ चुका हूँ, अब यहाँ की प्लानिंग बन रहा है। आज कहाँ जाएंगे अभी? जुहू, तो जुहू लेके चलते हैं अभी, और जुहू चल के आप लोगों को दिखाते हैं। और यार, कैमरा अंदर अलाउड नहीं कर रहा है, इसके लिए अंदर का बराबर वीडियो शूट नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ बहुत सारी कमियाँ हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, मोबाइल बराबर था नहीं, इसके लिए वीडियो बराबर है नहीं, लेकिन मेरा जो भी था आप लोगों ने देखा। और चलते हैं यार, यहाँ सब देखते कैसा अरेंज करते हैं, देखते पोटर या ओला जो मिल जाता है, बाहर निकलते पहले। और निकलते यहाँ से अब घर के लिए, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप लोगों को रुक कर यहाँ पे, और थक चुके हैं सभी, और ब्लॉग कर यहीं पर एंड करता हूँ, और मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, और नए प्लेस और नए कंटेंट के साथ। ओके, जब तक के लिए बाय।